Praise the Lord. मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज की इस सुंदर सुबह के लिए खुदा आपने हमें दी और धन्यवाद करते हैं जब आज हम एक साथ मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं उत्तम नगर चर्च का पासन होने के नाते उत्तम नगर चर्च की तरफ से अपनी कलीसिया की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सबको मैं पेस्टर कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावन ने आपके जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा और बहुतायत से आपको आशीर्वाद से करेगा। ये साल आपके लिए आशीष का साल हो, बरकत का साल हो और जो खुदावन जो जिंदा खुदा है जैसे वो हमारे बीच में आया ता जिंदगी हमारे साथ बना रहे और वो खुदावन का हाथ हम अपनी जिंदगी में महसूस करने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं एक साथ हम सब बैठे हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलिए। हमसे प्यार करने वाले खुदा, हम तेरे कदमों पे आते हैं और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, और धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि खुदावन तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन जैसे तूने अपने कलाम में कहा वो जिस बात को तूने पूरा करा कि खुदावन तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं कि खुदावन तू हमारे लिए बहुत तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदावन तूने उस मौत पर भी खुदावा फतेह पाई। यीशु मसीह खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन हमारे बीच में खुदंदा आए यीशु मसीह। खुदा बाप जब आज तेरे कलाम को तेरी बातों को पहुंचे तेरी कलीसिया में तेरे लोगों के बीच में रखता हूँ, दुआ करता हूँ उसमें आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, सुनने वालों को बरकत दे प्रभु जी, बोलने वाले को बरकत दे, और यीशु मसीह दुआ करता हूँ तेरा हाथ इनके पर इन लोगों पर सदैव बने रहे। यीशु मसीह खुदंदा इस पूरी सर्विस को तेरे हाथ में दे और पवित्र आत्मा दुआ करते नाम के नाम सबको आशीर्वाद से बने यीशु मसीह। खुदावन जब खुदंदा लोग खुदंदा डरे हुए हैं, लोग खुदंदा सोच रहे हैं हमारी ये बीमारी कैसे खत्म होगी, पर खुदंदा हमें बात मालूम है तूने अपने कलाम में कहा मत डर मैं तेरे साथ। खुदंदा हमें मालूम है कि तू सदैव अपने लोगों के साथ अपने विश्वासियों के साथ बना रहता है और दुआ करता हूँ दबाव के जो कोरोना वायरस का प्रभु जी जो पूरी दुनिया में खुदंदा फैल रहा है यीशु मसीह, खुदावन आप लोग डरे हुए हैं यीशु मसीह आत्मा से दुआ करता हूँ इस वायरस को तेरे नाम से मांगता हूँ दबाव पूरी दुनिया से रिलीफ हो जाए और यीशु मसीह सब लोग तेरे नाम में बचाए जाए यीशु मसीह। खुदंदा जो डॉक्टर्स को जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो बीमार खुदंदा बिस्तर पर खुदंदा सबको तेरे हाथ में दिया दुआ करता हूँ बीमारों को चंगा कर, डॉक्टर्स को टेक्नीशियंस को नर्सों को आशीष दे, तमाम जो लोग इस काम को कर रहे हैं यीशु मसीह दुआ करते तेरे नाम में प्रोटेक्ट करते हैं तेरे लोगों को उनके पर लगाते हैं और दुआ करते वो एक एक को खुदावंद तो सलाम दे यीशु मसीह। खुदाबाप कलाम के लिए आशीष होते हैं बरकत दे छू आशीष यीशु के नाम से। वो जिंदा है 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 यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है।
लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। Hey, Raja, Raja, I'm your
Thank you.
हाँ खुदा भी यीशु मसीह, आज के सुंदर दिन में खुदा भी यीशु मसीह, खुदा भी यीशु मसीह, आज ही के दिन खुदा भी यीशु मसीह, मुर्दों में से जी उठा खुदा भी यीशु मसीह, मृत्यु पे खुदा भी यीशु मसीह तूने विजय पाई है खुदा भी यीशु मसीह, तूने हमसे वायदा किया था ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा भी यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस वायदे के लिए खुदावन, तू मुर्दों में से जी उठा है खुदावन, तू हमारा जिंदा खुदा है खुदावन, तुम्हारे दिल की हर एक आरजू को पूरी करता है खुदावन। जैसे खुदावन यीशु मसीह तूने मौत पर विजय पाई है खुदावन यीशु मसीह, आज खुदावन यीशु मसीह कोरोना ने खुदावन यीशु मसीह चारों तरफ से हमें घेर लिया है खुदावन, डॉक्टर निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, उनके पास कोई राह नजर नहीं आ रही है खुदावन, लेकिन हमें मालूम है खुदावन तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तेरे खोरे खाने से खुदावन हम चंगे हुए खुदावन, तेरे लहू से हमें खुदावन नजात मिली है खुदावन, धन्यवाद करते हैं खुदावन, और चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह इस कोरोना पर खुदावन यीशु मसीह तेरी जय होने पाए खुदावन, वो हार जाए खुदावन यीशु मसीह और तू जीत जाए खुदावन यीशु मसीह, हमारे जीवनों को खुदावन यीशु मसीह हम आज तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, हमारे अंदर भी कई चीजें खुदावन यीशु मसीह जिंदा है खुदावन, उसे हम मारना चाहते हैं खुदावन, हमारा ईगो हमारा एटीट्यूड खुदावन यीशु मसीह, हमारी अंदर की बुरी बातें खुदावन यीशु मसीह तुझ में मर जाए खुदावन यीशु मसीह खुदावन, और एक नई ऊर्जा से भर खुदावन यीशु मसीह, अपनी आत्मा से भर खुदावन यीशु मसीह, अपनी रूह से भर खुदावन यीशु मसीह, और हमें फिर से नया कर खुदावन, तेरे बात करते हैं खुदावन, सारा आदर महिमा जलाल खुदावन तुझे देते हैं खुदावन, इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह किसी खूबी से नहीं किसी लियाकत से नहीं यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और जीवित नाम में होके मांगते हैं। आइए हम कलाम में से चलें, और जैसे खुदा ने कुछ कलाम में जो लिखा होगा आज उसके माध्यम से हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, और आज कलाम की कुछ बात आपके बीच में बांटना चाहूंगा, और आज की सुबह तो आपने हमें आशीष दी है, हम इस खुशी को एक साथ मिलकर जब हम सेलिब्रेट करेंगे, तो आइए कलाम में से चले, और मैं निकलवाना चाहूंगा आपके मरकुस और उसकी 16 और उसकी पहली आयत से हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर कुछ लिखा आएगा। हाँ प्लीज। जब सबत का दिन बीत गया, जब सबत का दिन बीत गया, तो मरियम मगदलीनी जी और याकूब की माता जी मरियम और सलोमी जी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, सुगंधित वस्तुएं मोल ली, इसलिए ली कि वो ये सब चीज मोल ले रही थी और सब चीजें सुगंधित वस्तुएं ली, और इसलिए ली कि वो जाएगी और उस लोथ पर वो सुगंधित वस्तुएं लगा दी जाती थी। पहले पुराने नियम में अगर हम पढ़ेंगे तो लोथ को एक ऐसी जगह रखा जाता था जहाँ गुफा होती थी, और उस जगह पर उसको रखा जाता था, और उसके बाद वहां पर सुगंधित वस्तुएं लगा दी जाती थी, उसका लेप उस पर लगा दिया जाता था, इसलिए लगाया जाता था कि जो लोथ वहां पर रखी है उसमें सुबह सड़ान ना आने पाए और वो सड़ान बाहर तक ना आने पाए। इन सब चीजों को वो कर रही थी कौन? मरियम। मरियम जब इस चीजों का सब कलेक्ट कर रही थी, उसका जब उसने वो सब लेप बनाया, तो वो सोच रही थी, एक चीज सोच रही थी, ये सब चीज तो मैं कर रही हूँ, ये सब चीज तो मैं कलेक्ट कर रही हूँ, पर उस पत्थर को कौन हटाएगा, उस पत्थर को कौन हटाएगा? और जब हम पढ़तेंगे तो जो यीशु मसीह की लोथ थी वो जगह पर रखी गई थी, उस गुफा में रखी गई थी, जिस गुफा को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था, वो एक नई गुफा थी। और जब उस यहाँ पे लिखा होगा, जब मरियम जब सारी सुगंधित वस्तुएं खरीद रही थी, जब सारी सुगंधित वस्तुएं उन्होंने कलेक्ट करी और उसका एक लेप बनाया, उसके बाद लिखा हुआ है जी पढ़े जी, सब्त का दिन बीत गया जी, तो आकर उस पर मले, तो आकर उस पर मले सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जी, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, जब सूरज निकला था, ये बिल्कुल भोर की बात थी, बिल्कुल सूरज निकला ही था, मतलब एकदम सनराइज, जैसे सुबह सुबह 5 या 5:30 बजे की बात होगी, उस टाइम उसने ये सब निकला ही था, सूरज निकला ही था। और उसके बाद जी वे कब्र पर आई, जी कब्र पर आई, और आपस में कहती थी, और आपस में एक बात कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन उठाएगा, हमारे लिए उस पत्थर को कौन हटाएगा। हम भी कई बारी जब खुदा के पास आते हैं
जब खुदा के पास खुदा के भवन में आते हैं, हम चीज सोचते हैं कि इस पत्थर को कौन हटाएगा, इस बीमारी को कौन दूर करेगा, ये तकलीफ को कौन दूर करेगा, ये फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ठीक होगी, ये घर की मेरी परिस्थितियां कैसे ठीक होंगी, ये आपस के हमारे कॉन्टेक्ट कैसे ठीक होंगे। हम बहुत चीज सोच रहे होते हैं, बहुत सी बातें हम सोच रहे होते हैं, मेरा परिवार कैसे ठीक होगा, मेरा हस्बैंड कैसे ठीक होगा, मेरी मेम साहब कैसे ठीक होंगी, मेरा सब चीजें कैसे ठीक होंगी। हम बहुत सी बातें हमारे दिल में चल रही होती है, और ऐसे मरियम के भी दिल में चल रहा था। वो सब चीज कलेक्ट तो कर रही थी, उस खुशबूदार चीजों को वो सब चीज खरीद रही थी, उसका अच्छा लेप भी उसने बनाया था, पर एक चीज सोच रही थी, एक बात कह रही थी कि इस पत्थर को कौन हटाएगा। अजीजो, आज भी हम कई बार सोचते हैं कि इस पत्थर को कौन हटाएगा, पर उसे ये नहीं मालूम था कि उस खुदा बाप ने उस पत्थर को पहले ही हमारे लिए हटा दिया है, उस पत्थर को हमारे लिए हटा दिया गया है। हम जब खुदा के पास आते हैं, हम जब खुदा के पास आने की कोशिश करते हैं, हम अपने घर से चलते हैं, हम जब खुदा के पास चलते हैं आते हैं, तो हम एक चीज सोचते हैं, अरे इस काम को कौन करेगा, ये सब चीजें कैसे ठीक होगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ठीक होगी, परिस्थितियां कैसे ठीक होंगी, मेरे घर का माहौल कैसे ठीक होगा, ये बीमारी कैसे ठीक होगी। पर खुदा बाप ने कलाम में एक बात कही है, विश्वास कर, संदेह ना कर, तो तू मेरे जलाल को देखने पाएगी। मरियम भी यही सोच रही थी कि इस पत्थर को कौन हटाएगा, पर अगर आगे हम पढ़ेंगे तो खुदा बाप कुछ बता रहेगा। जी पढ़े। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। तो देखा उसने पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया, उस पत्थर को खुदा बाप ने पहले ही उस गुफा के सामने से हटा दिया था। हम लोग सोचते हैं ये परिस्थितियां कैसे ठीक होंगी, ये तकलीफें कैसे ठीक होंगी, पर खुदा बाप एक बात करेगा, तू अपनी निगाहें कहां लगा, अपनी निगाहें सोन पर्वत पर लगा, और वो तुझे आशीष देगा, वो तुझे बरकत देगा। आज हमारी निगाहें कहां पे लगी हुई है, उस पत्थर पर लगी हुई है या खुदा की तरफ लगी है? अगर खुदा की तरफ हमारी आंखें लगी हुई है, तो अजीजो कोई भी चीज खुदा के सामने बड़ी नहीं है, क्योंकि वो हर परिस्थिति को बदलने वाला खुदा है, हर तकलीफ को दूर करने वाला खुदा है, हर बीमारी को आपकी जिंदगी से दूर करने वाला खुदा है, हर फाइनेंस कंडीशन को आपकी जिंदगी से निकालने वाला खुदा है, क्योंकि परिस्थितियां कोई और नहीं बदल सकता, पर आसमान का खुदा बदल सकता है। पर एक चीज हमें सोचने की जरूरत है, हम एक चीज फिर भी सोच रहेंगे कि उस पत्थर को कौन हटाएगा। आज खुदा बाप जब ईस्टर की खुशी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हमारा खुदा जो आसमान का खुदा है, जिसने सब वायदे करेंगे, उसने कहेगा कि मैं तीसरे दिन तुम्हारे बीच में आऊंगा, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, मैं उस मौत पर भी फतेह पाऊंगा। उस खुदा बाप ने जो कहा है वो पूरा करेगा। जब उसने कहेगा कि मैं तेरी बीमारी को दूर करूंगा, मैं तेरी तकलीफ को दूर करूंगा, मैं तेरी फाइनेंस कंडीशन को ठीक करूंगा, वो खुदावन जो कहता है वो पूरा करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं इंसान नहीं कि बदल जाऊं, पर मैं आसमान का खुदा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो पूरा करता हूँ। खुदा बाप पूरा करने वाला है, खुदा बाप अधूरा नहीं छोड़ता, खुदा बाप बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा, पर उसने कहेगा है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज अगर हम बहुत से बोझों में हैं, बहुत से तकलीफों में जी रहेंगे, आज खुदा से कहते खुदा बाप तू मेरे लिए करेगा, खुदा बाप तू मेरे लिए करेगा, और खुदा देखेगा आपके जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। पर पहले जरूरत है आप खुदा के पास आए, पहले जरूरत है कि अपने पैर को खुदा की तरफ निकालें, पहले जरूरत है अपना हाथ खुदा की तरफ बढ़ाएं, और खुदा देखेगा आपकी जिंदगी में वो बड़े बड़े काम कर दिखाएगा, जो आज तक ना तो आपके चित्त में पड़े और ना कभी आपने सोचेंगे। हम कलाम में आगे चलेंगे और वो कह रहेगा, जी पढ़े। वह बहुत ही बड़ा था जी, कब्र के भीतर जाकर जी उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा, और बहुत चकित हुई जी, बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा जी, चकित मत हो तुम यीशु नासरी को जी, जो क्रूस पर चढ़ाया गया जी ढूंढती हो जी, वह जी उठा है। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम मुर्दों में ढूंढ रहे हैं, पर वहाँ पर क्या कह रहेगा, श्वेत वस्त्र में पहले बैठा हुआ कौन, वहाँ पे फरिश्ता कह रहा है तू तो उसे मुर्दों में ढूंढती है, पर वो तो हमारे लिए जी उठा है।
वो हमारे लिए जी उठाएगा और वो जिंदा खुदा आज भी हमारे बीच में मौजूद है। उसके लिए उसके सामने कोई बीमारी कोई परिस्थिति बड़ी नहीं है। पत्थर कितना भी बड़ा हो पर खुदा के सामने वो बड़ा नहीं है, क्योंकि वो पत्थर वो बीमारी वो तकलीफें आपके सामने बड़ी होंगी पर खुदा के सामने कोई चीज बड़ी नहीं है। क्योंकि उसने कहा कि जब मैं काम करने पे आऊं तो मेरे हाथ को कौन रोक सकता है। खुदा के लोगों चेक कर देखो यहोवा कैसा भला है, और उसके हाथ के तले अपने आप को बना के रखेगा और खुदा देखेगा बड़े बड़े मिरेकल्स बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करेगा। जी बड़े वह जी उठा है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। देखो ये वही स्थान है, ये वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलो जी और पत्रस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा जी, जैसे उसने जी तुमसे कहा था जी, तुम वही उसे देखोगे। क्या कहा था? खुदा बाप ने पहले ही कह दिया था कि मैं 35वें दिन इस मुर्दों में से जी उठूंगा और मैं वही मिलूंगा जहाँ उसने कहा है। वो फिर से अपने लोगों के बीच में आएगा, फिर से अपने चेलों के पास आएगा, क्योंकि जो खुदा बाप कहता है उसे पूरा करता है। इंसान तो कई प्रॉमिस करते हैं, इंसान तो कई बारी वायदा करते हैं, हाँ भैया हम आपके लिए कर देंगे, हाँ भाई साहब हम आपके लिए कर देंगे, पर वो कहकर मुकर जाता है। पर आसमान का खुदा जो कहता है वह पूरा करता है, क्योंकि उसने कहा मैं इंसान नहीं पर वो आसमान का खुदा है, उसने सब चीजें पूरी करी है। जैसे उसने मेरे लिए सब चीजें पूरी करी है आपके लिए भी पूरी करेगा, पर सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि उसने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो मेरे जलाल को देखने पाएगी। अगर खुदा के जलाल को देखना है खुदा के कामों को देखना है तो उस पर विश्वास करना शुरू करिएगा। मुर्दों पर आंखें मत लगाइए, मुर्दों पर आंखें चित मत लगाइए, पर आसमान के खुदा पर चित लगाइए। आसमान के खुदा को देखेगा और वो देखेगा आपकी परिस्थिति को जानता है और वो परिस्थिति को बदलने वाला खुदा है। हम कलाम में कुछ आगे चलेंगे और मैं निकलवाना चाहूंगा आपके साथ लूका की इंजील और उसकी 24 और उसकी एक पहली ऐसे हम पढ़ेंगे जी। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जी को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़काया हुआ पाया जी, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया जी। जब वे इस बात से बौचक्की हो रही थी जी, वो एकदम चकित हो रही थी, तो देखो जी दो पुरुष जी झलकते वस्त्र पहने हुए जी उनके पास आ खड़े हुए। कहाँ पर दिखे वो दो पुरुष? कहाँ पर दिखे? उस कब्र के अंदर। वहाँ खुदाओं की लोथ नहीं थी, वहाँ खुदाओं यीशु मसीह नहीं था, पर वहाँ पर कुछ और था। वो फरिश्ते वहाँ ने दिखाई दी सफेद वस्त्र में, और जब उनको लोथ वहाँ दिखाई नहीं दी तो मरियम चकित हो गई। खुदा यीशु मसीह कहाँ गए? अरे वो तो कलवरी के क्रूस पर लटका दिए गए थे, वो तो मर गए थे। पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि जो वायदा खुदा बाप ने अपने चेलों से अपने लोगों से कहा था उसे उसने पूरा करेगा। और वो कह रहा है फरिश्ता कि तू उसे मुर्दों में कहाँ ढूंढती है, वो खुदावन तो जिंदा है और वो तुझे वहीं मिलेगा जहाँ उसने मिलने का वायदा करा है, जहाँ उसने मिलने का प्रॉमिस किया है का, और वो खुदावन वो पूरा करता है का। जी पढ़े आगे क्या कह रहेगा जी। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं जी, तो उन्होंने उनसे कहा जी, तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? कि तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो क्या होंगी? वो चकित हो गई, वो डर गई। अरे खुदा वो कहाँ गया? अरे खुदा यीशु मसीह कहाँ गया? अरे उसे तो अभी रखा था, परसों ही तो रखा था, वो लोग कहाँ चली गई? और वो कहाँ चली गई? उस खुदा के जिसने वायदा करा था कि मैं जी उठूंगा, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। कितने लोग जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जिंदा है? कितने लोग जानते हैं? मैं जानता हूं वो मेरा खुदा जिंदा है, वो मेरी जिंदगी में काम करता है। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि उस जिंदा खुदा ने मुझे जिंदों की जमीन पर रखा है का, और वो मेरे साथ सदैव बना रहता है, मेरे परिवार के साथ बना रहता है, कलीसिया के साथ बना रहता है, कलीसिया के लोगों के साथ बना रहता है का। अगर उसने कहा है का कलाम में अगर तुम
राई समान भी विश्वास करोगी तो मेरे जलाल को देखने पाओगी। आज हमारा विश्वास कहाँ है, मुर्दों में है या खुदा उन पे है? अगर खुदा उन पे है तो तुम्हारे सामने कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं है। वो पत्थर, वो परिस्थिति खुदा बाप ने पहले ही हटा दिएगी। तभी वो कह रहेगा कि मेरी सोच तुम्हारी सोच से फर्क है। हम जमीनी सोच सोचते हैं पर हमारा आसमान का खुदा जमीनी और आसमानी सोच सोचता। वो हमारे जाने से, हमारे सोचने से पहले उसे मालूम है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। हम एक कलाम में और चलेंगे और मैं लिखवाना चाहूंगा लूका की इंजील और उसकी 24 और उसकी 48 आयत पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसकी 24 और उसकी 46, 47 और 48 आयत पढ़े जी। और उनसे कहा, और उनसे कहा यूं लिखा है जी कि मसीह दुख उठाएगा जी और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। वो दुख तो उठाएगा, उसे सब दुख उठाना लाजमी है, पर उसने एक बात कही कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हम भी जब इंसानी रूप में इस जमीन पर आए हैं, जब इंसानी रूप में हमें भेजाएगा अजीजो, हमें भी दुख उठानी है जैसे हमारे खुदा ने इस जमीन पर आकर उसके बेटे ने दुख उठाया। पर एक चीज उसने करी, उसने मौत पर भी फतेह पा ली। ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? वो खुदा ने इस मौत पर भी फतेह पा ली और उसने एक वायदा कराएगा कि जब मैं इस जमीन पर दोबारा आऊंगा तो जितने मेरे नाम में सो गए हैं वो सब जी उठे। आज हम पर हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें उसके पर भरोसा कर, हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है कि हाँ खुदा बाप तू मेरे बीच में मौजूद है, तू मेरे बीच में मौजूद है। और खुदा बाप तूने एक वायदा कराएगा कि तू नीले आसमान पर हमारे साथ मिलेगा। खुदा बाप हमें मालूम है कि तू मेरे लिए जी उठाएगा। खुदा बाप ये जिंदगी तो एक मुर्दे समान थी, खुदा बाप ये जिंदगी तो एक ऐसी थी जिसे कोई, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। पर खुदा बाप जब तू इस जिंदगी में आया, खुदा बाप जब तूने इस अंधेरे की जिंदगी से निकालकर रोशनी की जिंदगी में आया, लेके आया प्रभु, खुदा बाप तूने एक नई जिंदगी मुझे दी और खुदा बाप तू मेरी जिंदगी में जी उठा। जैसे खुदा बाप तूने अपने चेलों से वायदा करा था, जैसे अपने लोगों से वायदा करा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और वहीं मिलूंगा जहां उसने वादा करा है। और वो कह रहेगा इसकी 47वीं आयत पढ़े जी। और यरूशलेम से लेकर जी सब जातियों के मन फिराओ जी, मन फिराओ का और पापों की क्षमा का प्रचार, क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, तुम इन सब बातों के गवाह हो। जो आज हम टेस्टिमनी दे रहे हैं, आज हम गवाही दे रहे हैं कि हाँ देखिए खुदा बाप ने मेरी जिंदगी में काम करा, देखिए खुदा बाप ने मेरे परिवार में काम करा, देखिए मेरे भाई को ठीक करा, देखिए मेरी बहन को ठीक करा, देखिए मेरे परिवार की परिस्थितियाँ खुदा बाप ने बदल डाली। मेरे परिवार में बहुत दुख था, मेरे परिवार में बहुत तकलीफें थी, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन मेरी ठीक नहीं थी, पर खुदा बाप ने मेरे लिए करा, खुदा बाप ने मेरे लिए करा। ये गवाहियाँ हमारी जिंदगी में कौन देता है? आसमान का खुदा देता है क्योंकि वो जिंदा है और वो हमारे बारे में जानता है। उसे मालूम है कि किस वक्त हमें क्या जरूरत है। मैं एक लास्ट आपके साथ आयत शेयर करना चाहूंगा, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसकी 1 और उसकी 18वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। रेवलेशन 1:18 जी, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधलोक जी की कुंजिया मेरे ही पास है। मृत्यु और अधलोक की कुंजिया किसके पास है? आसमान के खुदा के पास है। और इसी की 19वीं आयत में भी बोल रहेगा जी, इसलिए जी जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, और जो बातें हो रही हैं, और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, उन सब को लिख ले। जो बातें हम देख रहे हैं, जो खुदा बाप ने कलाम में कहा कि ये सब महामारी, ये बीमारियां आएंगी, पर खुदा बाप ने एक बात कही कि जिस चौखट पर उस खुदावन के मेमने का लहू लगा होगा उस जगह पर ना तो बीमारी आएगी ना महामारी आएगी, क्योंकि फरिश्ता वहां से, वो मौत का फरिश्ता उस द्वार से गुजरेगा तो सही पर उस द्वार के अंदर नहीं आ पाएगा। खुदा बाप कह रहेगा इन बातों को लिख ले, ये सब बातें होंगी।
लाजमी है। जो भी हमें महामारियाँ ये बीमारियाँ दिख रही हैं ये तो कुछ नहीं है, पर इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ महामारियाँ होने की होंगी। और खुदा जो कह रहेगा उसे पूरा कर देगा। जब खुदा के लोगों, जब आज हम इससे भी खुशी को हम सेलिब्रेट करेंगे, ये खुशी सिर्फ अपने पास तक ना रखें, ये खुशी सिर्फ अपने परिवार तक ना रखें, और खुदा अपने कलाम में एक बात और कही है कि तुम जाओ और मेरे नाम से जिला बनाओ और वो जिला वो फल तुम्हारे में बना रहे। हम खुदा से दुआ करें, हम खुदा से प्रार्थना करें कि हाँ खुदा जो कलाम में तूने बातें कही हैं वो सब पूरी हो रही है, वो सब पूरी हो रही पूरी होती नहीं हम लोग देख लेंगे। खुदा उससे दुआ करता हूँ कि खुदा जैसे तू तीसरे दिन मुर्दों में से जीता, खुदा हमारे साथ भी सदैव बना रहेगा। खुदा इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने की आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें, अपने आँखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हमसे प्यार करने वाले खुदा हम जरा तुम बात करें इस कलाम के पूरे दिन बात करते हैं खुदा हम तुम्हें आशीष दी कि तेरे कलाम तेरी बातों को तेरे लोगों के बीच में बोल तो जब शेयर करने पाए ईश्वर दुआ करते हैं ये कलाम को जी कहीं व्यर्थ न जाए जी कि उपजाउ भूमि में पड़े और जिसको ईश्वर से दुआ करते हैं प्रभु जब आज इस खुशी को वो एक साथ मिलकर खुदा पूरी दुनिया सेलिब्रेट जन पर हमेशा हमेशा दुर्गति।